हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट्स को ख़राब होते हुए देखा है। यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप खूबसूरत फॉलेज वाले पत्तेदार एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स लगाइए। फूलने फलने वाले पेड़ों को दिन भर की भरपूर धूप की ज़रूरत होती है। यदि आप एवरग्रीन प्लांट्स भी लगाते हैं तो उन्हें भी बारी बारी से धूप दिखाते रहें। इससे प्लांट्स की पत्तियों के कलर्स खूब खिलकर आते हैं और प्लांट स्वस्थ, सुंदर और चमकीले बने रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप, क्योंकि इसी वजह से प्लांट्स ख़राब होते हैं, पानी प्लांट्स में तभी डालें इंडोर प्लांट्स में जब ऊपर 1.5 इंच तक मिट्टी सूख जाए। अधिक पानी डालने से नीचे गीला रहेगा, उसमें फंगस लगेगी और उसमें स्पोर्ट्स बनकर हवा में उड़ते रहेंगे जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। देखिए, कोलियस की मैंने पिंचिंग कर दी थी करीब 9 दिन पहले और उसमें नई लीव्स निकल आई हैं। ये एकदम बुशी हो जाएगा और खूबसूरत दिखेगा, वरना पिंचिंग नहीं करने से ये लैगी हो जाता है और इसकी ब्यूटी ख़राब हो जाती है। ये देखिए, धूप मिलने से कितना खूबसूरत खिल रहा है पॉर्चुला का। हर 15 दिन में एक बार बारी बारी से अपने प्लांट्स पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का छिड़काव करते रहें। इसके लिए गमले को बाहर धूप में ले जाएं। थैंक यू।